हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, सबसे यस तो पहले बधाई और कांग्रेचुलेशंस कि भाई आप सभी लोगों ने एक जॉब फोड़ दी है 1 जनवरी 2024 को ही, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। और इस चीज़ से बहुत ही रिलेट कर पाता हूँ मैं कि जब आप में से कई लोग का रिएक्शन आया, जैसे परवीश ने ना, जो मेरा ग्रुप एडमिन है, तो उसका भी सिलेक्शन हुआ, तो उसने आज मुझे एक वीडियो बना के भेजी, मुझसे बोला सर शेयर मत करिएगा आपको, मैं भेज रहा हूँ, मुझे दिखाना है। तो उसके घर का रिएक्शन कुछ था, मम्मी रो रही थी, दादी वादी थी, ठीक है। ऐसे आप सभी घर में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है, कई लोग में नहीं भी हुआ होगा। तो मेरा बड़ा सिंपल था, मेरा क्या था कि मैंने पीडीएफ में नाम देख लिया था, और एक होता ना अंदर से बहुत खुशी होती है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, बस दोस्तों बता दिया, भाई मेरा दोस्त बैठा था रूममेट, भाई हो गया, कह रहा हो गया, मैंने कहा हाँ भाई हो गया, कह साले चल पार्टी करते हैं, चाय पी के आते हैं, रात हो गई ना, रात में 12 बजे आया था रिजल्ट। तो ऐसे ही आप सभी लोग का कल कुछ ना कुछ रिएक्शन रहा होगा, और एटलीस्ट कुछ नहीं तो दिल से खुशी मिली होगी, ठीक है। जैसे श्वेता से मेरे ख्याल से बात हुई थी, तो वो रास्ते में पता नहीं कहाँ ट्रेवल कर रही थी, तो वो बिलीव ही नहीं कर रही थी, हो गया सर मेरा, हो गया सच में हो गया, ठीक है। तो हमने, हम झूठ क्यों बोलेंगे, आपका सच में हो गया है। तो ऐसे आप में से कई लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो सबसे पहले आप सभी लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी ने अचीव किया है। थैंक और अच्छा, आप सभी लोग का SBI क्लर्क का एग्जाम भी सब यू लोग ने भरा है क्या? सर। हाँ जी सर, सर, सबने यस भरा, सर, भरा है सर। सर मेरा तो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट ही है। अरे सेम कोई मेरा भी नहीं, अब थोड़ा सा सेम कॉन्फिडेंस रहेगा, अभी जब जॉब हो जाती है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस दोगे पेपर तो अच्छा रहेगा। सेम अच्छा, अब इस सेशन को ना थोड़ा सा ऐसा रखेंगे कि मैं कुछ चीज़ें आप लोग से पूछूंगा, या फिर एक मार्क स्टार्ट करते हैं, पहले एक काम करेंगे कि सेशन को मेन तरीके से स्टार्ट करने के लिए, सेशन का मेन मुद्दा ये है कि कुछ चीज़ें पूछूंगा मैं, वो आप में से जिसको जो समझ में आए अपना एक ओपिनियन, अपना व्यू दे सकता है, अपने बता सकता है, जो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। फिर SBI क्लर्क का भी एग्जामिनेशन है, तो वो भी बच्चे देने जा रहे हैं, आप भी देने जा रहे हो, आप भी बच्चे हो, तो आपका क्या अगर स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा है, कुछ यूनिक अप्रोच है, या फिर कुछ टिप्स देना चाहोगे तो वो लास्ट में दे। उसके पहले मैं चाहूंगा 1-1 मिनट लेके चाहे, या फिर 20-20 सेकंड, 30 सेकंड, अगर आपको कुछ बोलना है, ठीक है, कुछ भी बोलना है, अगर आपको कुछ बोलना था कि सर आपने मुझे नहीं बोलने दिया, सर आप पूछते रह गए, तो आप बोल सकते सर हैं। मैं बिल्कुल प्राची बोलेंगे सबसे पहले, ठीक है। कल जिस रिजल्ट आया ना, तो 15 मिनट तो मैं अपने रूम में बैठी रही। मैंने कहा क्या, फिर मैंने मेरी फ्रेंड का फोन आया, बोले माँ को बताया। मैंने कहा अभी बता रही हूँ, मेरे को पहले बिलीव ही नहीं हो प्राची रहा है। थोड़ा सा आप माइक को यहाँ दूर रखेंगे ना, तो आवाज जो फट रही है वो नहीं आएगी। हाँ ठीक है, ओके सर। फिर अब ठीक आ रही। लेकिन सर जैसे RRBI मतलब RRB क्लर्क का रिजल्ट देखा तो उसमें तो कंफर्म हो गया। RRB PO का देखा तो उसमें 0.24 से ना रिजर्व लिस्ट में है, तो बहुत दुख हुआ। अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो थोड़ा दुख तो हुआ होगा, मैं उसको मना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, रिजल्ट लिस्ट में हो गया है तो कंफर्म तो है, और आरबी क्लर्क में हो गया है। जब एक जॉब हो जाती है ना, तो एक हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? सर मेरा ना उल्टा हो गया था सर। फर्स्ट ना ओके मैं क्लर्क का देखी थी, वो कट ऑफ एक्चुअली हम लोगों का 52 था, मेरा 51.2 कुछ तो आया था। रिजल्ट ओके लिस्ट में भी नहीं आया सर, मुझे लगा गया यही गया, पियो तो होगा ही नहीं। मेरे को पूरा ये हो गई थी सर, मुझे तो रोना आ रहा था, मैं लिटरली रो रही थी। फिर बाद में मेरे फ्रेंड देखे, उसने कॉल करी, सर तेरा हो गया? नहीं हुआ मेरा, नहीं के मैं बोल रही हूँ। वो पीओ चेक करी सर, मैं क्लर्क चेक करी, मैं किया। पीओ का देखी ही नहीं सर, वो क्लर्क का ही दिमाग में था, वो ही नहीं हुआ बोल के। वो बोल रही नहीं, क्लर्क का छोड़ तेरा पीओ ही हो गया। फिर बाद में पीओ का देखी सर, मैं बहुत खुश हुआ था, बिकॉज वेरी हैप्पी। मम्मी पापा को भी बताए, वो लोग भी, मैं सर रो रही थी सर, उनको हग करके सर रो रही थी। वो लोग क्या समझे सर मेरा नहीं हुआ बोल के, अरे चलेगा चलेगा कुछ नहीं होगा, अगले साल ट्राई कर। नहीं, हो गया हो गया बोल के अरे बोल रही थी सर। वो लोग भी बहुत रो रहे थे ऐसा। लास्ट टाइम भी थोड़ा, एक्चुअली मेरा लास्ट टाइम भी मैं बोली थी ना सर आपको, मेरा 23 मार्क्स आ गया था सर ऊपर, फिर भी चलो इंटरव्यू में थोड़ा कम हो गया, तो इसलिए नहीं हुआ था मेरा, लेकिन इस बार हो गया सर। थैंक बहुत यू बढ़िया, सर, आपके गाइडेंस की वजह से ही हो गया सर। बोल चलिए और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ भाई प्रियांशु, मैं यश बोलूंगी कुछ सर, कहना है थैंक यू आपको? सो मच आपकी गाइडेंस। कौन बोल रहा हेलो है? इशिका। चलिए प्रियांशु, यश कुछ बोलना है भाई कि मैं स्टार्ट करूं? चलो यस सर, जी आपको सर, 2020 से फॉलो कर रहे थे सर, अच्छा जब आप अच्छा सर व्हाइट बोर्ड पे जब आप एनालिसिस देते थे अपना, तब से सर उस तो समय व्हाइट बोर्ड हुआ करता था। फाइनली हुआ, फाइनली हुआ।
आरआरबी क्लर्क भी था, आरआरबी पीओ भी था, बट आरआरबी क्लर्क नहीं हो पाया, पीओ हो गया। अरे कोई नहीं, पीओ हो गया, बहुत चंदा बात। अभी तो क्लर्क भी ऐसे पेंडिंग है सर रिजल्ट। अरे अभी अभी तो रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हुआ है, समझ लो ये स्टार्टिंग है। अभी 1 अप्रैल को ना सब कुछ होगा धमाका, ठीक है। उसके पहले आपने, कई लोग ने आई थिंक आईपीएस पीओ मीन दिया होगा, वरना एसबीआई क्लर्क आप सभी लोग दोगे। अब मैं बता रहा हूँ ये चीज आप रियलाइज नहीं करो, लेकिन देखा जब पेपर देखा होगा ना, मुझे थैंक यू बोलोगे। जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, वो जो नर्वसनेस होती है ना, वो आपका एग्जाम सेंटर में कम हो जाएगा। इसलिए मैंने श्वेता को बोला भी था कि तुम जो है की चिंता मत करो, अब जाओ एसबीआई अच्छे से करो, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस रहेगा कि बैकअप में कुछ है। जब बैकअप में हो जाता है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस रहता है दिमाग। चलो भाई, तो वही सर, 2021 में सर एक भी प्री नहीं निकला था, फिर 22 में सारा निकला, 23 में मेंस निकला एक, बट फाइनल नहीं हुआ, हाँ लेकिन इसमें हो गया। ऊपर वाला यार जानता है ना, वो देखता है ना, कहते हैं ना कि कोई देखे ना देखे ऊपर वाला देख रहा होता है, तो वो आपकी मेहनत देख रहा है 3 साल से। चलो भाई और सर किसी एक्चुअली को। मेरे साथ भी आप, यस सर एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ कि एक्चुअली 2021 के एंडिंग में मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी, तो ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन 2022 में मेरा कुछ भी निकले, मेंस नहीं निकले, फिर इसका ये फर्स्ट अभी मेरा मेंस क्लियर हुआ है इसका, अरबी क्लर्क का, फिर अभी टाइम बाकी लगता है। मेंस और इसलिए तो मेरे पास एक्सपेक्टेशंस अभी था कि आप सबसे पूछूंगा कि आप सभी को एग्जैक्टली टाइम कितना लगा। चलो मैं स्टार्ट ही करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, मैं ठीक सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि ऑनेस्टली अगर आपको जो बताना चाहो तो आप ये बताओ कि आपको इस पूरी प्रिपरेशन में टाइम कितना लगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे जल्दी निकाल लेते हैं, तो वो और जो बच्चे जिनको टाइम लगता है वो फियरफुल हो जाते हैं कि सर मुझे 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, अब निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ऑनेस्टली एक 10 10 सेकंड लेके आप लोग सभी लोग बताओ कि आप लोगों को कितना टाइम लगा पूरी इस प्रिपरेशन की जर्नी में, और जब आपको सक्सेस अभी मिली। सही है, यार बट ट्वेंटी मैंने ना ट्वेंटी के बेसिक बीच नहीं पढ़ा क्लियरली, बस अब बेसिक से स्टार्ट करें तो बेसिक श्वेता, से हाँ लेके और बताइए, पूरा डेढ़ मतलब फाइनल तक के लिए 1.5 साल लगा मुझे सर। साल के हाँ लगभग लगोगे, ठीक है, अच्छा है। और भैया सर मैंने ना मैंने 2021 में आईपीपीएस पीओ का दिया था, तो उसमें हो गया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा मतलब मैं बैंक कर लूंगी, तो कर सकते 2023 में, हाँ 2023 में एलिजिबल हो गई फॉर्म भरने के लिए आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ का। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट टाइम था मेरा, तो हाँ मेरा आरआरबी क्लर्क का प्री हो गया, सारे प्री हो गए, और आरआरबी पीओ का मेंस भी हो गया, इंटरव्यू दिया, लेकिन फर्स्ट जैन को 2023 में नहीं हुआ, थोड़े थोड़े मार्क्स से, तो घर वालों कॉन्फिडेंस आ गया था, बोले तुम कर लोगी, थोड़ा सा और ट्राई करो। तो फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई की 2023 से, सोशल मीडिया तो वैसे मैं यूज नहीं करती थी बिल्कुल भी, नहीं बस ओनली टेलीग्राम, वो और बताइए और भी स्टडी पढ़ाई। पर्पज से। अच्छा सर मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो मम्मी पापा ने बोला कि बैंकिंग फील्ड में जाना है तो फिर कंपटीशन अपना देख लो, पेपर मैंने पिछले बार भी दिया देखने के लिए कि कैसा आता है, तो लकीली मेरा आईबीपीएस पीओ का प्री निकल गया था, अरे बट वही वाह, मेंस की तैयारी नहीं हो पाई थी तो नहीं कर पाई, फिर मैंने कंटिन्यू रखा कि ठीक है, चलो अब मेंस प्री लेवल तो बेस बन गया है, मेंस लेवल का करते हैं, तो फिर लकीली मेरा आरआरबी पीओ प्री जब देके आई थी तो लगा नहीं था प्री भी निकलेगा, फिर दोबारा प्री भी निकला है, मेंस भी निकला, आरबीपी को इंटरव्यू प्री भी वैसे हो गया। थोड़ा अजीब सा आ गया था ना, तो बहुत एक हाँ टेंस हाँ हुआ। टफ आ गया था सर, तो कट ऑफ भी लो गई। ठीक है चलो। और प्रियांशु वगैरह और कोई बताइए, चैनिका। भाई मेरा भी 2022 से सर सीरियसली एग्जामिनेशन देने देना शुरू किया था, 22 तो पहले 23 तो आपने फर्स्ट पहले ऐसे दोनों। दे दिया था, फिर 22 से स्टार्ट किया, ठीक यस है। सर और कोई बताएगा सर वो मेरे ही लास्ट में, जैसे आपको बताया 2021 के नवंबर या दिसंबर से थोड़ा मतलब देख रहा था, मॉक्स वगैरह लाना स्टार्ट किया था, सीरियस वाला 2022 ही मेरा हुआ, और ये फिर 2023। ठीक है, मतलब 1 1.5 साल आपको भी लगभग लग गए अच्छे से, ठीक है। यस आप बताइए भाई, आप अभी जो आए हैं, आपका नाम ज्योतिर्मय, आप बताइए कितने साल लगा आपको प्रिपरेशन करने में पूरा। जी सर, मेरा 22 का जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो 22 के जुलाई से, ट्वेंटी हाँ सर, तो अच्छा तब उस बार तो मेरा सिर्फ एसबीआई अप्रेंटिस निकला था, अप्रेंटिस मैंने ज्वाइन किया था, तो ठीक है, वहाँ मैं 10 महीना काम किया। फिर लास्ट ईयर मेरा वो आरआरबी क्लर्क रिजर्व लिस्ट में आया था और अच्छा आईबीपीएस क्लर्क निकल गया था, मैं यूको में जॉब कर रहा था। फिर अच्छा आईबीएस यूको में आप निकल गए थे, ठीक है। हाँ सर, तो वो तो मैंने रिजाइन कर दिया था इस बार अक्टूबर में, फिर इसका ये निकल गया। अभी आरबीआई का मैंने मेंस दिया है, तो मतलब उसके लिए मैंने एक्चुअली छोड़ा था मैंने जॉब, क्योंकि जॉब असिस्टेंट करते कॉलम हुए में मैं आरबीआई असिस्टेंट हो नहीं वाला, पा रहा था। जी सर, आरबीआई असिस्टेंट मेंस दिया तो आपने, जी सर, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। और कोई बताना चाहेगा। दिव्या कितना टाइम लगा आपको।
सर मुझे 1.5 साल लगा क्लियर 1.5 साल आपको भी लगा। चलो कर। सिमी आपका जी कैसा सर, रहा, प्रिपरेशन जर्नी कैसा रहा, कितना टाइम लगा? मुझे अप्रोक्स 3 इयर्स लग गए। पहले तो मैंने जब दिया था तो सब फर्स्ट ईयर में मैंने नहीं दिया था, 21 में मैंने नहीं दिया, फिर 22 में दिया तभी नहीं हुआ था, फिर अब 23 में दिया तो हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत एंड मैंने आपको जब से फॉलो करना स्टार्ट करा तब मैं पहले आपके वो मोटिवेशन वीडियोस देखा करती थी जो आप एकदम लास्ट मोमेंट में आके देते हो ना, देखो पैनिक मत करना, कॉन्फिडेंस रखना, और आप लोग अब बहुत अच्छा से प्रिपेयर किए हो, इतना टाइम इतने मार्क्स वगैरह दिए हो, तो वो सब चीज देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कोई तो है कि जो अच्छे से गाइड करो और स्टूडेंट्स की फीलिंग एक्चुअली में क्या होता है, बच्चों के मन में क्या चल रहा है वो चीज समझ रहा है। तो यस वहां से मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब वो आपने वन लाइनर वाले की, देखो 1-2 मार्क्स आप यहाँ से चुरा सकते हो कि पेपर में सारे तो आपके डुएबल क्वेश्चंस नहीं होते, तो फिर मतलब वो एक प्रॉपर मोटिवेशन गाइडेंस जो है सब आपसे मिला, और कांस्टेंट गाइड जो आपने नाम रखा है ना वो एकदम परफेक्ट नाम है आपके बहुत सही, लिए। मैंने सोच लिया था, दिमाग में पता हाँ नहीं हाँ हिट बहुत अच्छा करेंगे। है। चलो अच्छा, अगला सवाल या फिर एक छोटा सा मैं टिप्स जानना चाहूंगा आप सभी लोग से, कि आप सभी ने मॉक्स की फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोग क्या कहते हो, कि बहुत मॉक लगाते थे या मॉक को कम रखा, सिलेबस खत्म हो गया फिर लगाना स्टार्ट किया, अपना अपना स्ट्रेटजी आप लोग छोटा छोटा बताएंगे कि मॉक का आप लोग का फ्रीक्वेंसी या फिर स्ट्रेटजी क्या हुआ करता था। सर 2022 के बाद तो सर मतलब मैंने मॉक्स ही दिया है, उसके बाद मॉक्स मॉक से दिया है, मतलब ही प्रिपरेशन किया टोटल। मॉक से आपने काफी प्रैक्टिस की, ठीक हाँ है टोटल मतलब मॉक्स काफी ज्यादा दिए, कि जैसे दिन के 2-3 आरआरबी क्लर्क के टाइम पे जब प्री दिया था तो उस टाइम पे ये था 45 मिनट्स का होता था तो इजीली टाइम निकल जाता था, तो 3 मॉक्स भी दिए दिन के, एक तो दिन ये में था तीन, कि ठीक स्पीड बहुत अच्छी आई। और मैंने बिफोर टाइम, मैंने मेरा एग्जाम खत्म हो चुका था, अप्रोक्स 6 या 7 मिनट्स बच रहे थे उस टाइम, मेरा प्री का पेपर खत्म हो चुका था, तो है। अरे चलो, काफी और अच्छी स्पीड आई थी। मतलब मॉक से स्पीड आपको फायदा मिला, ठीक है। हाँ तो मॉक्स कोई राधिका स्पीड। और यश कुछ बताएंगे आप लोग? सर मेरा तो मेघा रीजनिंग बिलिंग्स का मैंने जैसे सिलेबस कर एग्जाम, लिया एक लोग था, एक लोग, हाँ बताइए कौन बोल रहा था अभी। रीजनिंग सिलेबस कर लिया थोड़ा, देख लिया, उसके बाद से सारा प्रिपरेशन मेरा मॉक से ही हुआ, प्री में अच्छा भी और मेंस में ज्यादा नहीं, बट प्री के लिए ऑलमोस्ट सारा प्रिपरेशन मॉक से ही हो जाता है। प्री की मैक्सिमम प्रिपरेशन आपके मॉक से थी। हाँ राधिका आप कुछ बोल सर रही थी, प्री का कैसा होता था टाइम, वो 1 ही घंटा रहता था ना सर, ठीक तो है। दिन में 1 या 2 हो जाते थे, और जैसे एग्जाम अभी 10 डेज है, 15 डेज है, तो थोड़ा ज्यादा 3-3 मॉक्स लगाते थे सर। लेकिन मेंस का जो है ना सर, मुझे उतना लंबा बैठने की आदत नहीं थी, तो मैं क्या करती थी सर, मेंस का सेक्शनल लगाती थी सर, उसको एनालाइज प्रॉपरली करती थी। अगर एक बार रीजनिंग का एक सेक्शन हुआ तो पूरा वो कंप्लीट करके उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था सर। मैं क्या करती थी, फिर वो रीजनिंग लगाई, फिर थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद फिर क्वांट लगाती थी सर। लेकिन वो एग्जाम से 1-5-10 दिन रहता था, तब 2-1 मॉक लाइक फुल लेंथ वाली देती थी सर, लाइक प्रैक्टिस के लिए पूरा। मैं मेंस ज्यादातर सेक्शनली देती थी सर, मैं मेंस का। और सर किरण जी आप सबसे पहले बताइए। एक्चुअली हेलो बताइए यस जी सर, हाँ सबसे पहले एक्चुअली मैंने थोड़ा इस पहले बैंकिंग का थोड़े लोगों से जाना कि क्या क्या आता है सिलेबस वगैरह, तो मेरे एक जो भैया है उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक टेक्स्ट बुक पे का मॉक दे के देख लो, तो फिर वहां से मुझे सिलेबस का अंदाजा हो गया कि क्या कैसे क्या आती है चीजें। तो मैंने सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया और फिर मैं रेगुलरली मॉक्स लगाने लगा। मॉक्स ने सर बहुत हेल्प करी, स्पीड बहुत इंक्रीज करी, रेगुलरली 3-4 मॉक्स, फिर उसके बाद फिर मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, और कोई? अच्छा तो मतलब एक चीज मैं देख पा रहा हूँ क्या, तुमने प्री से पहले आप पहले लोगों ने तो लगभग दो एग्जाम है, तीन हेलो। मॉक दे दो तीन मॉक लगाए, राइट ना, आरआरबी के लिए? ये अच्छा है, हाँ तो स्पीड आप लोग की बनी, ठीक है। अरे सर ऐसा हाँ कुछ बोल रहा है कोई? सुन है ना कि रहे मैं क्या करती थी, हाँ कि ऐसे एग्जाम से पहले ना कम से कम 5-6 मॉक लगाती थी, कि जैसे एडजस्टेड टाइम में भी कैसे अपने कांस्टेंट मतलब स्पीड को मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जैसे सिटी दूर रहती है ना, उसमें एग्जाम सेंटर तो ट्रेवल करके जाना और फिर वहाँ एग्जाम को अटेंड करना, तो 5-6 मॉक देती थी सुबह दोपहर शाम, मतलब ऐसे थोड़ा ब्रेक ब्रेक करके, तो इससे काफी हेल्प मिलती अच्छा, ये बढ़िया है। और चलिए और कोई बताएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये मोस्टली बच्चों का ही होगा मुझे पता है, पूछते रहते हैं वो, मैंने डाउट में डलवा दिया था।
ऐसा आप में से कोई है क्या? वैसे तो अर्थमेटिक में क्या सभी करते हैं, अर्थमेटिक को लेके आपका क्या कहना है? कि पहले तो ये बताओ कि स्किप कर सकते हैं क्या, और दूसरा ये बताओ कि जब मार्क्स लगाते थे तो वहां पे अर्थमेटिक को करने का कितना प्रायोरिटी रहता था, और हर बार लगभग कितना हुआ है ये बताना, थोड़ा अर्थमेटिक को मतलब लेके इम्पोर्टेंस बताना। सर मेरा तो मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब अगर मैथ करती हूँ मैथ ही करती हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले ना सिंपलीफिकेशन और नॉन मैचिंग नंबर सीरीज ये सब कर लिया अच्छे से ना। उसके बाद वन वन मार्क वाइज ढो के कर लेती थी, उसके बाद डीआई करती थी कि 5 मार्क 2 रहती 3 रहती थी। उसके बाद मैथमेटिक्स पे जंप करती थी, लास्ट मैथमेटिक्स पूरा करती थी, लास्ट में करती थी, ठीक है। सेकंड करती थी। वैसे पर आपने अर्थमेटिक का तो पूरा कर रखा होगा ना, कुछ छोड़ के तो नहीं गई थी ना, पूरा मतलब नहीं कुछ भी नहीं छोड़ा था। ठीक है। और एनीवन एल्स? अरिथमेटिक लास्ट प्रेफरेंस रही मेरा तो ये मेरी होता कि इसमें, मतलब इंग्लिश और ठीक है, सिमिलर रही है। दोनों। वैसे मॉक में तो यार देखो मोस्टली सबकी लास्ट प्रेफरेंस रहती है, ये होता है, लेकिन हाँ कई बार ना एक दो लोग ऐसे ऐसे हवा उड़ा देते हैं कि यार अर्थमेटिक को छोड़ सकते हैं, तो क्या नहीं आपको नहीं लगता है अर्थमेटिक छोड़ना तो को कॉन्सेप्ट ही छोड़? नहीं है भैया, छोड़ने से तो पेपर निकलेगा ही नहीं। आप अगर ये सोच के जाओगे कि आप ये टॉपिक छोड़ दोगे या वो टॉपिक छोड़ दोगे, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है, और जहां पे कि 0.5 to 0.25 का गेम है, इनफैक्ट 0.25 से आप इन हो या 0.25 से आउट हो, तो आप ये चीज इमेजिन भी कैसे कर सकते हो कि ये टॉपिक छोड़ के चले जाओ। आपको एग्जैक्टली एक बार के लिए मेंस में आप चलो फिर भी थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हो कि आप जीए को अगर स्ट्रांग रखते हो, अगर आपका जीए हो जाता है तो फिर आप मैथ्स में चांस ले सकते हो। पर प्री में तो 2 ही सब्जेक्ट है, और उसमें आप चांस लेने के बारे सोचोगे तो फिर एग्जाम क्लियर करने का सोचना ही बुरा है। मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सर ना 20 मिनट को ना 18 मिनट सोचेंगे ना तो जान अच्छा एग्जाम जाता है। जैसे अच्छा घर पे एग्जाम दे रहे हैं तो सोचे कि मेरे पास 18 मिनट ही है, क्योंकि वहां पे माउस काम नहीं कर रहा है, फिर स्पीड स्लो है, तो वहां पे थोड़ा लोड कम रहता है, तो अच्छे हाँ से यार, जम्प हो मतलब जाती है। हाँ एग्जामिनेशन का 5-6 मिनट तो आपको खराब होगा मान के चलो ही ना, कभी कीबोर्ड काम नहीं करेगा, कभी माउस गलत हाँ चलता रहेगा, कोई चिल्लाता रहेगा, कभी वो साइन कराने आ जाएगा, तो हाँ 4 से 5 मिनट का तो इसीलिए। खराब हो ही जाता है ऐसे हाँ नेचुरली। तो घर पे जब भी सेक्शन में तो देते हैं, तब सोचते हैं कि 15 16 मिनट 17 मिनट ही है, मतलब सेक्शन वाइज, तो उससे अच्छा जाता है फिर भी। अच्छा, चलो। तो भाई किरण जी, आपके हम वॉइस का वेट कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी अभी तक, सब लोग सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़। तो सुन रहे हैं सर, अभी अच्छा सुन रहे हैं सर। हाँ, सुन रहा है। सर मैंने प्रिपरेशन मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट किया था। 3.5 साल मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया था, अच्छा फिर अच्छा बाद में मेरा 2 बार सीडीएस ओटीआई इंटरव्यू भी गया था मैंने एसएसबी के लिए। अच्छा अच्छा बाद में वो भी क्लियर नहीं हुआ, बाद में मैंने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने के लिए सोच रहा था, अच्छा एक साल लेने के लिए चांस लिया सर घर में। फिर अच्छा पहले मैंने FCI दिया था सर एग्ज़ाम, वही ऐसे ही प्रैक्टिस करके गया था सर। बाद में पता चला कि कुछ मतलब मेरा मैथ्स भी स्ट्रांग था, फिर भी टाइम लिमिट बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है सर। सो मैंने यूट्यूब में कोई भी चैनल हो उनसे जो भी इजी मेथड रहता है उसको सॉल्व करने का कोशिश किया सर। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मॉक्स लिया था सर। ठीक है, सो RRB प्रिपरेशन मैंने फेब्रुवरी और एंड में स्टार्ट किया था सर, अच्छा फेब्रुवरी एंड में स्टार्ट किया था सर। इनिशियली मेरा स्कोर तो 28-29 आता था सर मॉक में, थोड़ा अच्छा मोटिवेशन भी कम होता था सर, फिर भी मैंने कोशिश किया। और मेरा ऐसा कि रीजनिंग पे ध्यान था ज़्यादा देता था सर। अच्छा इनिशियली मेरे 40 मतलब IBPS कंपेयर किया तो RRB में कुछ मुझे स्टार्टिंग में डिफिकल्टी लगता था कि इधर टाइम लिमिट कोई सेक्शनल टाइम भी नहीं था सर। एक बार रीजनिंग में 30 मिनट्स के ज़्यादा जाते थे और 15 मिनट में पॉइंट कर नहीं सकता था सर। अच्छा ऐसे ज़्यादा मैंने 3-4 मतलब मार्क्स मेरे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लिया था सर। हेलो, हाँ ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मार्क्स दिया था सर प्रीलिम्स के लिए। अभी मेरा और दोनों मेंस के RRB लिए की आपने और मॉक वगैरह दिए थे ज्यादा कि मतलब फ्रीक्वेंसी का? 10 मार्क दिया था सर अलग, मतलब आपका भी इंस्टीट्यूशन का एक एक एग्ज़ाम नहीं सर, प्रीलिम्स का लिया था सर। RRB PO का वो जो आपने दिया था स्टार्टिंग में ऐप से, मैंने वही से प्रैक्टिस किया था कुछ टेस्ट सर, फिर अलग अड्डा और बाकी
और टेस्ट सीरीज मैंने लिया था सर, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपनी दोस्तों से भी बात किया था और वो बोल रहा था कि ऐसे सॉल्व करना चाहिए, और यूट्यूब से मैंने कोई भी इजी मेथड हो वही ढूंढता था सर ज़्यादा से ज़्यादा। सो मतलब जिस मेथड से आप मेरा एग्जामिनेशन में पास आप स्पीड हाँ इजी होता था वही ढूंढता था सर मैं, बढ़िया। और इंटरव्यू ने आपके गाइडेंस लिया था सर, अच्छा अच्छा क्लियर हो गए सर। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। अब यार मुझे आप लोग एक सभी लोग बात बताओ कि जैसे आजकल ना दो चीज बहुत हो गई है, दो का मतलब कि ये तो आजकल क्या पहले भी रही थी। एक तो होती है ऑनलाइन स्टडी, जैसे कि मान लो आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हो, कोई कोई कहीं ना कहीं कोर्स में एनरोल हो गए, मतलब ऑनलाइन स्टडी हमारा एक पार्ट बन गया है। या तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ना कर रहे हो, मतलब कोचिंग में बोल सकता हूँ। एक होता है सेल्फ स्टडी, तो दोनों को बैलेंस करना, या फिर दोनों को कितना इंपॉर्टेंस देना, या फिर दोनों को आपने कितना टाइम दिया, थोड़ा ये हमको ब्रीफ में बताओ आप लोग, छोटा छोटा जितना आपको लगता है। मेरा तो यूँ था ना कि मतलब जैसे कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करना है तो उसके पहले वीडियो देख लेती थी मैं, तो उससे क्या होता था मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता था, मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। उसके ठीक बाद में फिर आपके जो पीडीएफ थे वो उठाती थी, तो उससे इजी लेवल के क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद में फिर जो मेंस के आपकी जो चेकमेट में क्लासेस चलती थी, तो मेंस से वो चेकमेट कर लिया, तो वहां से लेवल मतलब हो जाता था। तो इस तरह से पूरा हो जाता, मतलब पहले वीडियो सीख बेसिक से लिया, उसके वीडियो बाद से, डीबीपी से प्रैक्टिस कर उसके बाद में लिया। मेंस का कंटेंट। हाँ और कोई बताएगा? ठीक है सर, मतलब इसमें मतलब मुझे लगता है कि मैथ में टॉपिक वाइज अच्छे से करना जहाँ जरूरी है, सारे टॉपिक मतलब कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एक बार किसी भी टीचर को जिसको फॉलो करते हो उसके सारे टॉपिक से कर लो, उसके बाद साथ के साथ उनकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते रहो। तो ठीक उसके बाद मतलब पढ़ाई करना चाहिए जिससे कि मतलब माइंड कॉन्सेंट्रेशन रहे अच्छे से, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए 1.25 तो लगा के बाद में जब किसी कभी मन नहीं कर रहा खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करने का, तो वीडियो से 1.25 पे करके आप 1 बार करके प्रैक्टिस कर लो, तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, और कोई बताएगा? प्रिया सर चौधरी अगर सर, हम साल मैंने पेपर दिया था तो अरिथमेटिक तो स्किप ही कर दिया था, फिर लगा कि इससे नहीं होने वाला, तो इस बार आपने शुरू किया था ना परसेंटेज से सारा, तो मैंने वो यूट्यूब पे फॉलो किया, फिर आप जो देते थे उसका पीडीएफ उससे सॉल्व किया, उसी से फिर लगातार जितना भी यूट्यूब पे वीडियोस रहते थे ना तो आप टाइमर भी देते थे, तो उसके साथ साथ सारी प्रैक्टिस हो गई। बहुत अच्छा। और कोई बताया? राधिका कुछ बोल रही थी मैं भी सर आप जैसे अगर मेरा भी। अच्छा एक लोग, हाँ बताइए। जैसे मेरा भी वही था, पहले 2020 मिड में ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए थे, बट फिर लॉकडाउन आ गया तो फिर ऑनलाइन पे आना पड़ा। तो उसी अच्छा से सारा ऑनलाइन हर टॉपिक कवर करने के बाद, फिर उसके बाद उसका मतलब क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के, मतलब जहां से पीडीएफ मिला वहां से प्रैक्टिस करते थे, फिर डायरेक्ट मॉक देना शुरू कर देते थे। राधिका सेम आप बोल रहे थे, हाँ ठीक है। सर, अगर स्टार्टिंग स्टेज में अगर हम लोग है एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, तो ऑनलाइन और वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सर, क्योंकि हम लोगों को कॉन्ट का वो जो बेसिक्स रहता है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक इट विल बी लाइक अ फाउंडेशन सर, अगर वो ही स्ट्रांग नहीं है तो हम लोगों को आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है सर मेंस में समझने के लिए। तो आई थिंक स्टार्टिंग स्टेज में अगर है तो क्लासेस आर मस्ट सर, उसके बाद धीरे 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 जैसे कॉन्फिडेंस आता है ना सर हम लोगों को, तब हम लोग मॉक्स की तरफ, सेल्फ स्टडी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं सर। मैं एक्चुअली आप लोग, आपका जो अर्थमेटिक का सीरीज है ना सर, वो बहुत एक्चुअली इट्स लाइक अ जेम सर अर्थमेटिक के लिए। हाँ सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़े सर, लाइक सभी टाइप्स के, और वो रेशियो मेथड यूज करके आपने बताए थे ना सर, लाइक क्वेश्चंस को लाइक ऐसे 10-10 सेकेंड में करना, वो बहुत एक्चुअली बहुत प्रीलिम्स के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सर। मैं एक्चुअली वो सेशन देख के अर्थमेटिक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया सर मेरे को तो अर्थमेटिक हाँ वो से में। पहले से क्या होता है ना, जिस बच्चों को मैथ समझ भी नहीं आती, एटलीस्ट उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर वो हाँ चीज समझने लगता है। बाद में वो पीडीएफ से कर ले और कैसे भी कर ले, वो प्रैक्टिस कर लेगा, लेकिन एक बार उसको वो देख लेगा तो उसको मैथ्स का ना अंदर बन जाएगा, वो ईंट खड़ी हो जाएगी उसकी, इतना मुझे लगता है कि वो है। यस सर, चलो ये बढ़िया है। चलो तो फिर मुझे एक बात बताओ आप सभी लोग, एक छोटा सा ऐसा कह सकते हैं इसको, क्योंकि अब सेशन को रैप अप करेंगे, एसबीआई यस सर, का आप सभी लोग का भी है, ठीक है, और जो ये वीडियोस देखेंगे वो भी समझ लो आपके जैसे एस्पिरेंट्स ही हैं सारे, ठीक है। तो कोई ऐसी कुछ आप नहीं ज्यादा कुछ कर रहे हो या फिर कुछ ज्यादा टिप्स देना चाहोगे क्या एस्पिरेंट्स को, एसबीआई क्लर्क के लिए टिप्स अगर आप लोग देना चाहो कुछ? सर, मेरा वही होगा कि इंग्लिश गेम चेंजर होता इंग्लिश गेम चेंजर, है सर। मैथ रीजनिंग सब कोई करता है, इंग्लिश अगर आपका सही है तो फिर इजिली प्री तो इजिली एक्यूरेसी, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूरेसी
ना, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी का बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम हो जाता है। और कोई बिल्कुल कुछ बताएगा, कोई टिप्स देगा अपने फेलो एस्पिरेंट्स को, क्योंकि आप लोग भी अभी एस्पिरेंट ही हैं एसबीआई क्लर्क, हाँ लेकिन सर, सर वो एक्चुअली ना भी आजकल क्या हो गया ना सर, कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया सर। हाँ अब सब लोगों को पता चला सर रीजनिंग बहुत इजी है बोल के, सभी लोगों को ऑलमोस्ट सेम अटेम्प्ट हो रहा है सर क्वांट और रीजनिंग में। सब लोग ना सर अभी क्वांट इतने दिन अर्थमेटिक नहीं करते थे सर, सभी अब अर्थमेटिक के पीछे पड़े हैं, सब लोग कर रहे हैं सर। लेकिन मेरा भी यही स्ट्रैटेजी है सर, अगर इंग्लिश इंप्रूव हो गया ना सर उसमें हम लोग इजिली प्री निकल सकता है सर। लेकिन मेंस के लिए करंट अफेयर्स के भी बहुत जरूरी है सर, अब करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा लेवल हाई हो रहा है सर करंट अफेयर्स के लिए भी। तो आई एंड थिंक सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम देना इम्पोर्टेंट है सर, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम तो देंगे आपको तो तो मैं हो ये कह रहा था, जाएगा रीजनिंग मैथ में आजकल लोगों के मोर और लेस सेम अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो जो इंग्लिश में ज्यादा सर। थोड़ा मार्जिन से खींचता है वो थोड़ा सा कहीं का परेज रहता है। थोड़ा है सर। और कोई हाँ सर हमें लगता है ना सर, मैथ रीजनिंग में जितना करना था उतना कर लिया होगा सबने, लेकिन सही बात अभी है, 2 3 दिन में वो जैसे 11 12 को भी है, तो अगर इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करेंगे ना तो वो हैबिट हाँ बन जाती है इंग्लिश को जल्दी करने की। तो अगर इंग्लिश पे अभी जिसकी भी इंग्लिश वीक है, जैसे मेरी भी खुद वीक है इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश को ज्यादा टाइम देती हूँ रीडिंग पे, पर न्यूज पेपर रीड करते हैं ना, तो उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है इंग्लिश अच्छा, ये में लास्ट के मेरे को जो भी मन। होते हैं 4 5 दिन या फिर 10 दिन, उसमें भी रीडिंग आप कंटिन्यू रखते हो पेपर वगैरह की या फिर जो भी हाँ आपके? उसमें मैं ज्यादा करती हूँ, ज्यादा बढ़ा देती हूँ थोड़ा, ऐसे मैं डेली बेसिस 30 मिनट करती हूँ तो उसमें मैं 1 आवर में करती हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो प्रैक्टिस हो गई जितनी होनी थी, बस फ्रैक्शन वाइज से प्रैक्टिस कर लेती हूँ, 2 3 मॉक लगा लेती हूँ। पर इंग्लिश को ज्यादा करती हूँ क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी मेरी मॉडरेट है, तो मैं सोचती हूँ कुछ भी नहीं रहा है, मतलब 90+ नंबर आए तो जिससे कॉन्फिडेंस रहे हो जाएगा, वैसे भी यूपी में कट ऑफ बहुत जाती है। ये आपने बहुत सही लाइन लगा दी। अब और भैया कोई मैं दो टिप्स दूंगी अपने फेलोज को, कि एक तो जो अभी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनका गोल हमेशा से ये होना चाहिए कि बस प्री प्री क्लियर करना, ये नहीं सोच के, मेंस ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए पहला। और दूसरा चीज ये है कि जब ये चीज मेरे को काफी ज्यादा हेल्प किया है, कि आपका जो भी शिफ्ट में एग्जाम है उससे आप बिफोर 24 आवर्स, एटलीस्ट अगर 24 नहीं भी तो आप बिफोर 16 आवर्स आप छोड़ दो, आप ना और ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपने आप को। जब आप प्रेशराइज कर देते हो ना कहीं वो नर्वसनेस दिखती है और आप पैनिक होकर के वो आपका पेपर इम्पैक्ट कर जाता है, तो उस चीज पे ध्यान देना जरूरी है। अभी जैसे बिल्कुल लास्ट के 2 दिन ही बचे हैं, जैसे 5th को अगर जिस किसी का भी पेपर है तो उनको ये करना चाहिए कि 4th तक, मतलब आपको जितना करना था आपने कर लिया, एक दिन में आप करके कोई वैसे भी बहुत नहीं हो जा रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप खुद को टाइम दोगे तो आप वहां परफॉर्म अच्छा कर पाओगे, एफिशिएंसी अच्छी आती है। ये तो है, माइंड फ्री रखना जरूरी है। हाँ भाई यश, कोई इनपुट? अच्छा, कुछ लोग जो है चैट में लिख रहे हैं लेकिन वो वीडियो में नहीं है, जैसे कि वर्षनी कुछ लिख रही हैं, कुछ लिखी है लेकिन बहुत लंबा लिखी है, इसके दोस्त क्वेश्चंस विच टेक्स टाइम फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट। ठीक है, चलिए आप बताती, वैसे आके तो ज्यादा बच्चों को समझ में आता। चलो सर यश के साथ एक इनपुट। हाँ हाँ एक बोलिए। पॉइंट और है कि क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है, नहीं मुझे करना यही करके जाना है, ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 मार्क की जगह 2 मार्क दे करके जाना, तो ये इट्स बेटर कि तो आप सब सब। हाँ सर, हाँ पीओ पे ना आरआरबी पीओ के मेंस में एक पजल में 8 मिनट लग गया पूरा, अरे वाह, बेकार, मतलब स्टार्टिंग का पजल खोला उसमें 8 मिनट लग गया, उसके बाद मैंने यस सर, थोड़ा बहुत सोचा, हाँ लग गया, फिर बना भी नहीं वो पजल, छूट भी बना गया। भी नहीं वो पजल, पजल बहुत ही अजीब सा था। ना सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है यार, तुमने 8 मिनट किसी पे दे दिया वो बना भी नहीं, तो इतनी गुस्सा और आती है, फिर मन उसके करता बाद है आपको कीबोर्ड पे इतना जो है बोलते ना हैं कि उसको आप मारो पेपर आगे कीबोर्ड। अटेम्प्ट करूं या क्या करूं, ये उस चीज आप सोच रहे होंगे कि आठ क्या करना चाहिए आगे। 8 मिनट में ना 2 3 मैथ के क्वेश्चन हो जाते हैं उतने में। ये बात है, ये बात है। चलो फिर दोस्तों, कुछ फाइनल वर्ड्स किसी सर एक को बोलिए। सर एक सजेशन चाहिए था हमें, हाँ जैसे बोलिए। आरआरबी अभी असिस्टेंट का मेंस एग्जाम था, मैथ रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर सब सही गया, जीके बिल्कुल सही नहीं गया, बहुत ही बेकार गया, वाला 10 ही 12 नंबर तो आएंगे। जी आप जीके का कुछ वैसा स्ट्रेटजी टाइप का पूछ रहे हो ना, तो सपोर्ट नंबर हाँ कर देना, हम वहां पे आपका वॉइस मैसेज डाल देंगे ना, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा 5 10 मिनट लग जाएगा और ये वीडियो बंद होने वाली है 2 मिनट। सर, जैसे आपने बताया आरपीएस का आपका डे वीक मतलब वो मंथली वाला, उससे हो ही नहीं पाता, बहुत बार ट्राई किया उसको करने का लेकिन मैं उससे कुछ एक बताता ही हूँ, बार मैं कुछ कर आपको पा रहा ऑल टाइम सोल्यूशन बता दूंगा, वॉइस मैसेज पर डाल दूंगा, ठीक है? के इसके लिए SBI क्लर्क के लिए, ठीक लिए है? और किसी, कुछ लास्ट के 2 3 मिनट बचे हैं, कुछ सर। बोलना हो बोल दो। नहीं नहीं सर, ये सर एक लास्ट चीज है और, कि सर हाँ, अब एक चीज बोलिए। और,
जैसे आप ना वो बाद में बोलते हैं ना, ऐसे नहीं होता, हो जाएगा हो जाएगा, मतलब आप जैसे गाइड करते हैं ना, तो वो बहुत हेल्पफुल करता है, लगता है तो कोई तो है जो सब मतलब समझता है बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग ये तो को, है, बहुत हेल्पफुल है वो। एस्पिरेंट समझ सकता है ना, एस्पिरेंट एस्पिरेंट समझ सकता है अच्छे से, मैं भी रहा हूँ ना एस्पिरेंट। हाँ आप कुछ हाँ बोल रहे भैया थे सही में, ऐसे। आपकी हर बात से हम लोग। हाँ सो एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि बाकी लोगों को अपनी एनजाइटी मैनेज करना सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है मेरे कुछ फेलो मेट्स हैं, इन्होंने एनजाइटी में अपना पेपर पूरा गड़बड़ कर दिया, जबकि लेवल हम लोगों का मोस्टली आप कह सकते हो सेम है, कुछ का अप कुछ का डाउन, लेकिन सिर्फ एनजाइटी मैनेज करना उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो या फिर पेपर के कुछ 10-15 मिनट पहले, क्योंकि वो जो टाइम रहता है बहुत क्रूशियल रहता है। अगर आपने अपना माइंड बना लिया कि हाँ पेपर अच्छा जाएगा मैं कर लूंगा, तो आप अपना कॉन्फिडेंस बेस पे सब कुछ अच्छा कर लोगे, लेकिन अगर उस टाइम मैनेज नहीं कर पाए एनजाइटी, तो आपके हो सकता है हाथ पैर जो मतलब कि शेक करने लगे, जैसे RRBPO में बहुत से लोग बता रहे थे उस टाइम हाथ पैर मेरे अरे हिलने भूल लगे, जाते बहुत हैं हाथ अजीब सा कौन लग रहा पे है, क्या ये चल चीज रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्या है है, एकदम सर के ऊपर जा सकता है, कुछ रख दिया गया है, दिमाग काम नहीं करता। जी सर, ये आई वाज वाला वन ऑफ देम सेम भैया, पता है मैंने बस 48 अटेम्प्ट्स करे थे RRBPO में, मैं घर आके काफी रोई कि ये क्या कर दिया मैंने, इतनी प्रैक्टिस के बाद ये करा। फिर वो चीज RRB क्लर्क में दिखा कि RRB क्लर्क में मैंने 79 अटेम्प्ट्स करे थे, और वो ही अरे बिफोर टाइम हो गया, तो इतनी खुशी हुई थी कि चलो ठीक है प्रैक्टिस का कुछ असर तो हुआ है, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करा। ये तो है, ये तो है, ये तो है। सर जैसे मेरा ना 2022 के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होती थी, मैं कहती थी नहीं करना है, मतलब जो भी फेलो है उनको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, हम वो कर लेंगे, लेकिन लगता नहीं डर भी होना चाहिए उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस के साथ, तो पेपर अच्छा जाता है कि मतलब कॉन्फिडेंस भी रहे और डर बहुत भी जरूरी है रहे। ना, पेपर में आप बैठ रहे हो एक घंटे हाँ के लिए, तो अपने आप को कैरी करो कि दैट पढ़ के आए हो, लगाओगे सेलेक्ट तो आप ही होगे ना, क्योंकि सोचो आप लोग कभी सोचा था कि यार आज जो है हम सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब किसी को उतना कुछ उम्मीद नहीं रहती, ये रहता है पेपर अच्छा गया है खराब गया है, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया होता है, लेकिन किसी को एग्जैक्ट नहीं पता होता कि मेरा फाइनल नाम आ जाएगा, तो सर जो इतनी आना चाहिए यार, किसी का नाम तो आएगा, कोई तो सिलेक्ट होगा ना, तो उनमें से एक मैं ही हूँ, दैट्स इट। एक चीज और मैं कहूंगी कि जैसे मेरा बैकग्राउंड ना बहुत ही अलग रहा है, मैं टेक्निकल से हूँ तो मैंने टेक्निकल किया है, फिर मैंने रेलवे जेई दिया है, मतलब फिर RRB दिया, SSC सीजल दिया, सारे दिया, तो उसके बाद मैंने कहा बैंक ही करूंगी, पर इस साल मैंने सीजल भी नहीं दिया, मैंने कहा सिर्फ बैंक ही दूंगी, उस पर मतलब लगे रहना चाहिए, जो भी सोचो उसको 100% देना चाहिए कि नहीं मैं कर लूंगी। मेरे सब लोग बोलते थे नहीं होगा नहीं होगा, बहुत टफ है, जनरल से हो टफ है, नहीं होगा, मैं कॉन्फिडेंस का कर लूंगी, मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया इसमें, वो कहते नहीं कर लूंगी। धन्यवाद सी माता जी को, नहीं सर सही सेम ही है। था मेरा भी, सेम ही था वही सर, 1 अप्रैल के दिन, 1 अप्रैल को क्लर्क वाला नहीं हुआ था तो बहुत बुरा लग रहा था कि नहीं हुआ, बट हम छोड़ने वाले थे कि नहीं अब नहीं हो रहा मेरे से कुछ, बट फिर हम बोले कि एक ट्राई और मारते हैं बस, तो फाइनल हो गया इस बार एक भी। अगर लास्ट गिवअप करने के पहले एक अगर 100% दे के लास्ट अटेम्प्ट दे दो ना, तो वो रिग्रेट नहीं रह जाता, भाई दिया ये था गिव अप नहीं तो करना चाहिए, गिव अप सेम नहीं हुआ, करना चाहिए सेम हुआ सर। भैया मेरे साथ। मैं इस ईयर कोई एग्जाम फिल ही नहीं करने वाली थी कि यार क्या मतलब है इतना दिया अब तक हुआ नहीं, फिर फिल किया और लकीली ये निकल वही सर लास्ट ईयर तो मैंने अरबी क्लर्क फिल ही नहीं किया था, मेरी शायद यही गलती थी, इस बार गया। मैंने फिल किया और सधियाला हो गया होपफुली। चलो बढ़िया है यार, फिर आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और बहुत मजा आई। भैया ठीक मुझे है भी एक चीज बोलनी थी। हेलो। हाँ जल्दी जल्दी श्वेता, एक मिनट बचाया बताइए। हाँ भैया, भैया मैं ये बोल रही थी कि जैसे मतलब आपने हमेशा मतलब हर टाइम हमको जैसे मोटिवेट किया, गाइड किया, और जैसे आपकी जितनी भी कम्युनिटी पोस्ट होती थी, वीडियो होती थी ना, मतलब बहुत ज्यादा रिलेटेबल थी मेरे लिए, मतलब बहुत ही सपोर्ट सिस्टम था कि मतलब कभी भी कोई डाउट आ रहा है तो भैया की वीडियो आ रही है, कोई कम्युनिटी पोस्ट आ रही है, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू, मतलब आप हमेशा रिलेट करते थे, माइंड में जो चलता था आप उस वीडियो में उसका आंसर दे रहे होते थे, तो वो बहुत बड़ी चीज है, तो मतलब हाँ कोई बैठा है जो समझ रहा है, जिसको पता है कि हमारे माइंड में क्या है, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू भैया, थैंक यू सो ये चीज मुझे बहुत से बच्चों ने बोला है, एंड आई एम मच, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक थैंक यू यू फॉर एवरीथिंग। चलिए जी सर, चलिए गाइड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, ओके, तो टेक केयर, आप सभी लोग अपना ख्याल थैंक यू रखो, सर, गाइडिंग ठीक है, एंड आई विश यू अस। गाइस ऑल द बेस्ट आप सभी की आगे की जर्नी के लिए, उससे पहले SBI क्लर्क के लिए, क्योंकि जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, फिर जो भी आपका लाइफ में टारगेट है वो आप सभी अचीव करो, एंड बाय बाय।